ले गया आगे छोड़ के आगे। किसको आए छोड़ के बताओ आप लोग? दशा माँ जी को छोड़ के आए। 10,000 रूपए लिए कितना? 10 नहीं 20,000 में। 20,000 में एक दिन में कितना राउंड लगा देते हो? एक दिन में 4-5 राउंड। क्या बात है। वाह। उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है और ये सीजनल होता है। ठीक है, सीजनल पूरे साल भर का नहीं होता। क्या आपके साथ कभी कोई भूत प्रेत से रिलेटेड घटना घटी? तो 2019 के टाइम में एक साउथ कोरिया के छोटे से गांव में घूम रहा था और अपेरेंटली वो एक हॉन्टेड विलेज था। और आप फिर भी वहां चले गए? घट से? घट से नहीं, बेवकूफी। तो रात का टाइम हो चुका था, मैं थोड़ा घूम रहा था वो गांव, एक्सप्लोर कर रहा था कि हाँ और क्या है क्या नहीं। इतने में मुझे एक लड़की मिलती है जिसका नाम था मैमा। मैमा ने मेरे को कहा कि रात को ना ये गांव घूमना सेफ नहीं है, तो आप अगर चाहो तो मेरे घर स्टे कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है यार, अगर फ्री में कोई स्टे दे रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है। मैं उसके साथ चला गया बिना जाने पूछे। फिर मैं जैसे उसके घर पहुंचा ना, तो मैं उसके चबूतरे पे देखता हूँ कि नहीं, 7 कबूतर मरे हुए थे इसके घर के आगे। फक। मैंने वो चीज इग्नोर करी, मैं उसके साथ अंदर बैठा, उसने कहा बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। इतने में ना उसका छोटा भाई आता है दर्चो, और मुझे देख के ना बियर्डली चीखने लगता है। सही बताऊं तो वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। फक। और वही चीख सुन के उसकी छोटी बहन आती है दहू, और वो देखते ही मेरे ऊपर चाकू से हमला करने लग गए। मैंने अपना सामान उठाया ना, भागने लग गया, लेकिन मुझे गेट ही नहीं मिल रहा था कि मैं कहां से जाऊं, कहां से क्या करूं। इतने में मैंने पीछे मुड़ के देखा ये तीनों भाई बहन, क्या नाम था इनका? मैमा दर्चो दहू। एक मिनट, मैमा दर्चो दहू, मैं मादर चौधू। एग्जैक्टली। ओ बहन के लड़े। तो आंटी, जैसा आप सुबह में यहाँ पे उठते होगे तो आपको तो काफी अच्छा व्यू मिलता होगा कुतुब मीनार का, तो आपको कैसा महसूस होता है? ये तो बीड़ी है। बाहर जा रही हूँ यार, थोड़ी देर शॉपिंग करनी है मैंने। सुनो, मेरी एक फ्रेंड आएगी तो प्लीज दरवाजा मत खोलना। क्यों? पर वो बहुत अजीब से छोटे छोटे से कपड़े डाल के आती है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसको देखो, वो खुद ही चले जाएगी, तुम बस दरवाजा मत खोलना। ठीक है। मुझे लगा दूध वाली दूध में आई है यार। माता जी, आप कितने 100 का पोस्टमार्टम कर चुकी है? 22-23 हजार लगभग हम कर। 100 वगैरह जो होता है, लोग ये भी कहते हैं कि 100 कभी कभी जिंदा हो जाता है, बैठ जाता है, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। एक बार हुआ था जो आँख खोल लेता था, एकदम ताजा बॉडी था, लगभग 7-8 घंटा उसका डेट की हुआ था। उसके बाद में लाइव पोस्टमार्टम के लिए तो आँख बार बार ऐसे खोल लेता था, ऐसे करके 2 बार आँख मूंद दिए, तीसरा बार में कहे कि शांत रहो तुम डेट बॉडी हो। लाश के पास सबसे पहले कौन आया था? ये क्या कर दिया? सॉरी सॉरी, बैंडेड डालता हूँ। अरे भाई, भाई ये क्या कर रहा है, जरा ठीक से कर। उसका पूरा मुंह बैंडेड सही भर देगा। आजकल ये रेजर कौन यूज करता है? अरे भाई, गला बचा हुआ था, यही काट देता। मेरा तो भगवान का शुक्र है कि इस साल बारिश होगी, नहीं तो इस साल तो पिछले साल से ज्यादा प्रदूषण हो जाना था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल। भाई हेलो, एक्सक्यूज मी भाई, आपको पता है, तुम दोनों को पता है यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, फिर भी लड़ रहे हो क्यों? अरे भाई यार, इसने बोला शॉपिंग करने जाना है 5,000 रूपए, तो मैंने 5,000 रूपए दिए। अच्छा, आधे घंटे बाद आके वापिस बैठ गई, मैंने बोला कर ली शॉपिंग, बोलिए नहीं चालान कट गया। अब देखो, नियमों का पालन नहीं करोगे तो चालान तो कटेगा ही ना आपका। भाई लाइसेंस था इसके पास। लाइसेंस था फिर क्यों चालान कट गया? लाइसेंस में मेरी फोटो अच्छी नहीं आई, इसलिए नहीं दिखाई। पागल।
साबुत की शक्ल में बेटा तू तो निकला केवल झाड़ झाड़। हद है यार। हैप्पी बर्थडे। ये कॉन्फिडेंस क्या ही है जी। वाह, शर्म करो, भगवान से डरो। शर्म नहीं है, हद है यार, क्या हो रहा है। मतलब तुम सही हो हैं? ठीक है। और ये उनका मैनेजर है, ये उनकी टीम है। अच्छा, तो ये बंदा इससे पूछता है कि ये सामने से क्या आ रहा है, इसको आराम आराम से किसका। ठीक है। तो ये बोलता है एक टैंक आ रहा है हमले के लिए। ठीक है। अब ये मैनेजर इससे पूछता है कि ये सामने से क्या आ रहा है आराम आराम से, तो ये बंदा बोलता है कि ये टैंक आ रहा है। ठीक है। अब यही बंदा इससे पूछता है कि ये सामने से क्या आ रहा है, तो अब ये बोलता है कि जी टैंक आ रहा है। कह रहे सही सही बताओ क्या आ रहा है, कि सही सही बता दूं क्या। हाँ, कि चूतिया है माचिस की डब्बी को बार बार खिसका रहा है। गाड़ी का नंबर कहाँ है? तीन तीन बैठे हो। हंस क्या रही है, दांत देख खा रही है, तो मंथरा कहीं की। गाड़ी का नंबर कहाँ है? तीन तीन बैठे हो। ए, अभी पड़ा। हम ये लड़के हैं ना, इनके साथ बेचारों के साथ यही होता है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। बताइए, आप दोनों 90s से सुपरस्टार्स रहे हैं, तो कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आप बताना है कि 90s में वो लोग कौन थे। फॉर एग्जांपल, आपके हिसाब में 90s के रणवीर सिंह कौन थे? मेरे हिसाब से गोविंदा। चीची, 90s के रणवीर सिंह थे। ओके, मलाइका अरोरा। आई थिंक इट वुड बी शिल्पा। शिल्पा, शी इज ऑलवेज हैड अ रियली क्लासी हैपनिंग स्टाइल। या एक्चुअली, या हेलो, या मलाइका वाज फ्रॉम द 90s। सिद्धार्थ और कियारा, the absolutely gorgeous looking pair. Ajay and Kajol. Ajay and Kajol, yeah. Aur ye sabse important question hai, Karan Johar of 90s. Unke aisa koi piece nahi. Yaar bahut zyada mood kharab hai. Unke aisa koi piece nahi. Kyun, kya ho gaya? Pata yaar, Gandhi ji ki photo gayab kar di 10 ke note pe. Kisne? सरकार ने यार अपनी मनमानी का काम कर दिया। राहुल गांधी की फोटो? अबे नहीं यार, क्या बात कर। अरे देखो भाई, राहुल गांधी की फोटो लगा दी। राहुल गांधी की कैसे लगा दी, पागल? चेक करो भाई, अरे देख, ये रे गांधी जी। यार है तो गांधी जी। हाँ चलो, एक गोल्ड फ्लैग ले लेते हैं निकालने के लिए। गोल्ड फ्लैग दे देना। हेलो भैया, एक गोल्ड फ्लैग।